नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। कालसी चक्राता मोटर मार्ग पर धसी सड़क आवाजाही बाधित। कालसी चक्राता मोटर मार्ग पर जजरेड के पास सड़क धसने के कारण यह मार्ग पर आवाजाही बाधित हो गई है। वही सूचना पर लोनी विभाग के कर्मचारी मौके पर पोकलैंड मशीन लेकर रवाना हो गए हैं। जल्द इस मार्ग पर आवाजाही सुचारू कर दी जाएगी। काठगोदाम से कॉलेज को निकली छात्रा लापता, परिजनों को अपहरण की आशंका। काठगोदाम थाना क्षेत्र की एक छात्रा सोमवार से लापता है। छात्रा कॉलेज जाने के लिए घर से निकली थी। सोमवार शाम जब वो घर नहीं लौटी तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू कर दी। थक हार कर परिजनों ने पुलिस को छात्रा की गुमशुदगी की तहरीर दी। परिजनों को छात्रा के अपहरण की आशंका है। अंकिता मर्डर केस, मुआवजे पर प्रदीप टमटा ने धामी सरकार को घेरा, कही ये बात। कांग्रेस नेता प्रदीप टमटा ने मुआवजे पर सरकार को घेरा है। प्रदीप टमटा ने सरकार के दोहरे चरित्र का आरोप लगाया है। कांग्रेस नेता ने प्रदीप टमटा से कहा कि सरकार ने अंकिता के परिजनों को तो मुआवजा दिया, लेकिन दलित युवक जगदीश की हत्या के बाद उसके परिवार की कोई भी मदद नहीं की। बागेश्वर में लंपी वायरस का संदिग्ध केस, बाहरी जिलों के पशु लाने पर दिखाना होगा प्रमाण पत्र। बागेश्वर में एक गौवंश में लंपी वायरस से मिलते लक्षण मिलने के बाद पशुपालन विभाग ने सैंपल जांच को भेज दिया है। पशुओं को लंपी वायरस के प्रकोप से बचाने के लिए गोट पॉक्स टीकाकरण अभियान भी तेज कर दिया गया है। 10 टीमें जिले के सीमावर्ती गाँव में पशुओं का टीकाकरण कर रही है। अब तक करीब 1500 जानवरों को टीके लगा भी दिए गए हैं। रानीपुर क्षेत्र से किशोरी लापता, महिला पर किडनैपिंग का शक। रानीपुर कोतवाली क्षेत्र से एक 15 वर्षीय किशोरी की लापता होने का मामला सामने आया है। वहीं CCTV फुटेज में एक महिला बच्ची को अपने साथ ले जाते हुए दिख रही है, जिसके बाद परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी महिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पहाड़ी जिलों के मेडिकल कॉलेजों के फैकल्टी को मिलेगा 50% अतिरिक्त भत्ता, जारी होगा शासनादेश। पहाड़ी जिलों के मेडिकल कॉलेजों में स्टाफ की कमी को दूर करने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने मेडिकल कॉलेजों में नियमित व एवं संविदा पर तैनात मेडिकल फैकल्टी को उनके वेतन मान के सापेक्ष 50% अतिरिक्त भत्ता देने का निर्णय लिया है, जिनका शासनादेश जल्दी जारी किया जाएगा। रामनगर में किन्नर समाज का राष्ट्रीय सम्मेलन, सरकार को किन्नर बोर्ड्स गठन करने की मांग। रामनगर में किन्नर समाज का राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन हुआ। सम्मेलन में विभिन्न राज्यों के करीब 300 से अधिक किन्नर प्रतिभाग करने के लिए रामनगर पहुंचे हैं। इस दौरान किन्नरों ने उत्तराखंड सरकार से किन्नर समाज बोर्ड गठन करने की मांग की है। उत्तराखंड के 20 लाख बिजली उपभोक्ताओं को लगा करंट 6.5% सरचार्ज की पड़ी मार। उत्तराखंड में बिजली की कीमतों को बढ़ाने का फैसला अब जनता की जेब पर भारी पड़ने लगा है। हालात यह है कि उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग UPCL की सिफारिश पर एक ही साल में दो बार बिजली के दाम बढ़ाने तक फैसला ले रहा है। उधर ऐसे निर्णयों से UPCL प्रबंधन पर सवाल भी खड़े होने लगे हैं। नैनीताल के आसमान में उड़न तस्तरी दिखने से लोगों में कौतूहल, एरिस के वैज्ञानिकों ने कही ये बात। नैनीताल में बीती रात आसमान में लोगों को चमकीली वस्तु नजर आई, जो कौतूहल का विषय बनी हुई है, जिस पर एरिस यानी आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान के वैज्ञानिकों का कहना है कि उनके किसी भी संयंत्र में UFO यानी उड़न तस्तरी शहर समेत क्षेत्र में आने की उपस्थिति दर्ज नहीं हुई है। हरिद्वार पंचायत चुनाव, रुड़की में मतगणना स्थल पर आए सांप, पुलिस ने लाठी से भगाया। हरिद्वार पंचायत चुनाव की मतगणना जारी है। मतगणना में कई दिलचस्प वाक्य हो रहे हैं। रुड़की में मतगणना स्थल पर भीड़ ज्यादा होने पर पुलिस ने लाठी फटकारी। वहीं मतगणना स्थल पर सांप निकला, इसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने किसी तरह सांप को मतगणना स्थल से बाहर भगाया। श्रीनगर राजकीय अस्पताल में स्त्री रोग विशेषज्ञों की कमी, काशीपुर अस्पताल का लाइसेंस रद्द। श्रीनगर के संयुक्त राजकीय अस्पताल का स्त्री रोग एवं प्रसूति विभाग विशेषज्ञ चिकित्सकों के बजाय महिला MBBS डॉक्टरों के भरोसे संचालित हो रहा है। वहीं बीते रोज काशीपुर में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने शहर के आधा दर्जन से अधिक अल्ट्रासाउंड सेंटर्स का निरीक्षण किया। इस दौरान खामियां पाए जाने पर एक निजी अस्पताल का लाइसेंस भी रद्द कर दिया गया। अंकिता भंडारी के परिवार से मिले सांसद तीरथ सिंह रावत, आंगनबाड़ी वर्कर भी करेंगे ये मदद। अंकिता भंडारी मर्डर केस के बाद नेताओं का डोक शिकोट पहुंचने का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत ने भी गांव पहुंचकर अपनी सांत्वना व्यक्त की। इस दौरान उन्होंने विश्वास दिलाया कि जब तक अंकिता को न्याय नहीं मिलता तब तक वे उनके साथ हैं। वहीं आंगनबाड़ी वर्करों ने अंकिता के परिजनों की वित्तीय मदद करने की बात कही। हल्द्वानी, खनन कारोबारियों ने उठाई एक राज्य एक खनन रॉयल्टी की मांग, टिमर गांव का हो विस्थापन। खनन कारोबारियों ने गौला नदी से खनन शुरू होने से पहले विरोध शुरू कर दिया है। खनन कारोबारियों ने गौला खनन संघर्ष समिति के बैनर तले DM कैंप कार्यालय में प्रदर्शन किया। खनन कारोबारियों ने SDM के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजते हुए एक राज्य की एक रॉयल्टी बनाने की मांग की है। वहीं टिमर गांव के लोगों ने विस्थापन की मांग को लेकर SDM के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा है। प्राथमिक स्कूल बगवाड़ी की प्रभारी प्रधानाध्यापिका शीतल रावत हुई बहाल, CEO ने किया था निलंबित। 21 सितंबर को पौड़ी के थैलीसैनी की प्रभारी प्रधानाध्यापिका निलंबित कर दी गई थी। आरोप था कि वो खुद विद्यालय नहीं आती बल्कि एक लड़की को मानदेय देकर स्कूल में पढ़ाती है। अब इस प्रभारी प्रधानाध्यापिका का निलंबन वापस ले लिया गया है।
देहरादून में होने वाला गरबा महोत्सव स्थगित, अंकिता हत्याकांड का रहा असर। देहरादून में होने वाले गरबा महोत्सव को स्थगित कर दिया गया है। आयोजकों ने अंकिता हत्याकांड को देखते हुए महोत्सव को स्थगित कर दिया। हल्द्वानी में आयोजित हुआ कोऑपरेटिव बैंक का 52वां अधिवेशन। हल्द्वानी में 52वां कोऑपरेटिव बैंक अधिवेशन आयोजित किया गया। इसमें काश्तकाल को बैंक प्रगति रिपोर्ट के बारे में जानकारी दी गई। बैठक में बताया गया कि प्रदेश की 80% से ज्यादा सहकारी समितियां कंप्यूटराइज्ड हो गई हैं। देहरादून में ऑनलाइन जॉब के नाम पर 8,90,000 की ठगी, केस दर्ज। देहरादून में ऑनलाइन सर्वे जॉब के नाम पर एक व्यक्ति से 8,90,000 की ठगी का मामला सामने आया है। पीड़ित व्यक्ति ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर अज्ञात आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की पड़ताल शुरू कर दी है। स्मैक बेचने के आरोप में महिला और उसके बेटे के साथ मारपीट, भोना कॉलोनी में जमकर हुआ हंगामा। स्मैक बेचने के आरोप में एक महिला और उसके बेटे की भीड़ ने जमकर पिटाई कर दी। मामला बाजपुर कोतवाली की भोना कॉलोनी का है। मारपीट का ये वीडियो कैमरे में कैद हो गया। दूसरे राज्यों से आ रही गाड़ियां उत्तराखंड सरकार को लगा रही करोड़ों का चूना, ट्रैवल व्यवसायी परेशान। हरिद्वार के ट्रैवल व्यवसायी की शिकायत पर ARTO रश्मि पंत ने 2 दर्जन से ज्यादा वाहनों को जब्त किया है। साथ ही ARTO रश्मि पंत ने आगे भी इस कार्रवाई जारी करने की बात कही। केदारनाथ में लगी उत्तराखंड सरकार होश में आओ के नारे, यात्रियों ने लगाई अंकिता के लिए न्याय की गुहार। विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम में अंकिता भंडारी के लिए न्याय की मांग को देश भर से पहुंचे श्रद्धालुओं ने मुट्ठी तानी। इस दौरान तीर्थ पुरोहितों के साथ श्रद्धालुओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इसके अलावा कैंडल जलाकर अंकिता को श्रद्धांजलि भी दी गई। बदलते मौसम में दून अस्पताल में बढ़ने लगी मरीजों की संख्या, रोजाना आ रहे 2,500 पेशेंट। मौसम बदलने से दून अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। अस्पताल में वायरल फीवर, डेंगू, खांसी, जुकाम, सिरदर्द की परेशानी से जूझ रहे मरीज पहुंच रहे हैं। वहीं डॉक्टर भी लोगों को बदलते मौसम में एहतियात बरतने की सलाह दे रहे हैं। हरिद्वार पंचायत चुनाव में जीत की ओर भाजपा, अब तक 11 सीटों पर किया कब्जा। हरिद्वार पंचायत चुनाव में भाजपा जीत की ओर बढ़ रही है। हरिद्वार पंचायत चुनाव में भाजपा अभी तक 11 सीटें जीत चुकी है। गदरपुर में निर्माणाधीन सड़क के किनारे बिछाई गई मिट्टी बही, ADM ने अधिकारियों से मांगी रिपोर्ट। निर्माणाधीन गदरपुर NH74 बाईपास अभी पूरी तरीके से तैयार नहीं हुआ है, लेकिन अभी से सड़क धंसने लगी है। साथ ही सड़क किनारे बिछाई गई मिट्टी बह गई है, ऐसे में गुणवत्ता पर सवाल उठने लगे हैं। मामले में SDM ललित नारायण मिश्रा ने अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी है। अल्मोड़ा में आयोजित हुआ किसान मेला, विशेषज्ञों ने उन्नत खेती के सिखाए गुर। अल्मोड़ा में किसान मेला आयोजित किया गया। मेले का लक्ष्य किसानों को कृषि से जुड़ी आधुनिकतम जानकारी देना था। समारोह में जीवी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर की कुलपति डॉक्टर मनमोहन चौधरी मुख्य अतिथि के रूप में भी मौजूद रहे। अंकिता भंडारी हत्याकांड ने दिलाई 10 साल पुराने रचना केस की याद, वकीलों ने जताई सबूतों से छेड़छाड़ की आशंका। अंकिता भंडारी हत्याकांड उत्तराखंड का पहला ऐसा मामला नहीं है जिसमें किसी की इतनी बेरहम से हत्या की गई हो। ऐसा ही मामला 9 अगस्त 2012 में कोटद्वार के दुकड्डा ब्लॉक के जमर गड्डी गाँव के तोक झमरसार से सामने आया था। 12वीं कक्षा की छात्रा रचना संदिग्ध परिस्थिति में गायब हो गई थी। 4 दिन बाद रचना का गांव से दूर जंगल में सड़ा गला शव बरामद हुआ था। दहेज के लिए गर्म तवे से बहू की चमड़ी उधेड़ने वाला हैवान ससुर गिरफ्तार, पत्नी और बेटी पहले ही जा चुके हैं जेल। दहेज के लिए बहू के साथ जानवरों जैसा सलूक करने वाले आरोपी ससुर को टिहरी पुलिस ने हिमाचल प्रदेश से गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में पीड़िता की सास और ननद पहले गिरफ्तार हो चुके हैं। सास ससुर और ननद में 32 साल की प्रीति को दहेज के लिए गर्म तवे से जलाया था। कल जीता पंचायत चुनाव, आसलाखों के पीछे नई ग्राम प्रधान बबीता पड़े पूरी कहानी। हरिद्वार में कच्ची शराब पीने से हुई मौतों के मामले में पुलिस ने आरोपी बबीता को उसके गांव से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि बबीता को मुखबिर से मिली सूचना के बाद गिरफ्तार किया गया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि चुनाव जीतने के बाद वह गाँव में ही है, इसे टिप्स के आधार पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। वनंतरा में अय्याशी, वनंतरा रिजॉर्ट में होता था नशे का धंधा, शराब पार्टी का वीडियो वायरल। अंकिता भंडारी केस के मुख्य आरोपी पुलकित आर्य ने वनंतरा रिजॉर्ट का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में खुलेआम शराब परोसी जा रही है। यह वीडियो 13 दिसंबर 2021 का बताया जा रहा है। रुद्रपुर में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, 2 बांग्लादेशी महिला सहित 3 गिरफ्तार। SOG और एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल ने रुद्रपुर के पौष इलाके में चले सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने आरोपी संचालक और 2 बांग्लादेशी महिला को गिरफ्तार किया है। पुलिस आरोपियों को कोर्ट में पेश करने की तैयारी कर रही है। कुमाऊं की नदियों में अभी शुरू नहीं होगा खनन, कारोबारियों को करना होगा इंतजार। कुमाऊं गाला सहित अन्य नदियों में खनिज निकासी का काम अभी शुरू नहीं होने वाला है। पिछले सप्ताह भारी बारिश होने के चलते नदी का जलस्तर अभी भी बना हुआ है। यहाँ तक कि पहले चरण का उपखनिज का सीमांकन हो चुका है, लेकिन दूसरे चरण का उपखनिज का सीमांकन सहित अन्य कार्य बाकी है। हरिद्वार में पानी की टंकी पर नौटंकी, नीचे उतारने में पुलिस के छूटे पसीने। हरिद्वार के ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र में गुरुवार को एक महिला ने पुलिस के पसीने छुड़ा दिए। महिला की पानी की टंकी पर चढ़कर वहां से कूदने की धमकी दे रही थी।
काफी देर तक समझाने के बाद महिला टंकी से नीचे उतरने के लिए तैयार हुई। कुछ लोगों का कहना है कि महिला ने शराब पी रखी थी, इसलिए उसने ऐसा किया। हल्द्वानी में कूड़ा निस्तारण की समस्या, विधायक सुमित हृदेश ने नगर निगम को दिया अल्टीमेटम। हरिद्वार शहर में ट्रंचिंग ग्राउंड कूड़े से पटा पड़ा है, ऐसे में नगर निगम द्वारा कूड़ा सड़कों पर डाला जा रहा है, जिससे राहगीरों का सड़क से गुजरना मुश्किल हो गया। साथ ही संक्रामक बीमारियों के फैलने का खतरा भी बढ़ गया है, लिहाजा नगर निगम को कूड़ा निस्तारण के लिए विधायक सुमित हृदेश ने 15 दिन का समय दिया है। उत्तराखंड में पिछले दिनों हुई भारी बारिश का सबसे ज्यादा असर सब्जियों पर पड़ा है। हल्द्वानी सब्जी मंडी की बात करें तो मंडी में सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। आलू 25 से 30 रुपए प्रति किलो, फूल गोभी 80, टमाटर 40, 20, 60 से 70 किलो और प्याज 40 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। सब्जी कारोबारी जीवन सिंह कार्की ने उम्मीद जताई है कि अगर फसल की पैदावार सही हो जाती है तो सब्जी के दामों में थोड़ा गिरावट हो सकती है। हालांकि नवरात्रि के चलते सब्जियों की डिमांड बढ़ी है। गदरपुर एसओ ने दबिश के दौरान महिला को जड़ी थप्पड़, एसएसपी ने दिए जांच के आदेश। दबिश के दौरान गदरपुर एसओ का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें महिला को थप्पड़ मारते हुए नजर आ रहे हैं। मामले में एसएसपी ने जांच के आदेश देते हुए जिम्मेदारी सीओ बाजपुर को भेजी है। हल्द्वानी में नशे की खेप के साथ दो तस्कर गिरफ्तार, पुलिस को लंबे समय से थी तलाश। हल्द्वानी पुलिस ने नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत दो तस्करों को गिरफ्तार किया है। चेकिंग के दौरान पुलिस ने दोनों के पास से 207 नशे के इंजेक्शन बरामद किए हैं। पुलिस ने दोनों के खिलाफ संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। रुड़की में पंचायत चुनाव की मतगणना जारी, कई सीटों पर हुआ विवाद। हरिद्वार पंचायत चुनाव में कई सीटों पर मतगणना जारी है। इस बीच कई जगहों से विवाद की खबरें भी सामने आ रही हैं। बंगेड़ी गांव के ग्राम में एसडीएम के आवास के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।